उत्तर प्रदेश के कानपुर में विकलांग एसोसिएशन ने विकलांग महिला व उसके पति का विवाद सुलझा दिया है। आपको बता दें कि 16 साल पहले विकलांग एसोसिएशन के सामूहिक विवाह में इन दोनों का विवाह हुआ था। विकलांग एसोसिएशन के समस्या समाधान शिविर में उस्मानपुर की दिव्यांग शिमला सिंह ने पति रामकरण सिंह व उसके परिजनों द्वारा मारपीट कर घर से भगाने की शिकायत दर्ज कराई थी। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने संबंध में रामकरण सिंह व शिमला सिंह से बात की और दोनों को समझाया, साथ ही विवाद न करने की सलाह दी, महिला संरक्षण के लिए बने कानूनों की जानकारी दी, तब जाकर रामकरण सिंह अपनी विकलांग पत्नी को अपने साथ रखने पर राजी हुए। आज सुलह समझौते के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, अल्पना कुमारी, राहुल कुमार, कांति देवी कुशवाहा, शिव देवी सिंह चौहान, मोहम्मद आजाद खान व दोनों पक्ष के लोग मौजूद रहे। कानपुर से संवाददाता कमलेश मौर्य की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष विकलांग एसोसिएशन। क्या कार्यक्रम है? आज 2004 में विकलांग एसोसिएशन ने सामूहिक विवाह के जरिए रामकरण सिंह और शिमला सिंह का विवाह कराया था, श्री शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में। आपस में कुछ विवाद हो गया था जिसकी शिकायत आई थी मेरे पास, दोनों पक्षों से बातचीत की गई और जो भ्रांतियाँ थी वो दूर की गई, मनमुटाव ख़त्म किया गया और ये दोनों लोग अब आपस में रहने के लिए तैयार हैं। इनकी तीन तीन बच्चियाँ हैं, उनका भरण पोषण, विवाद होगा तो परिवार के साथ बच्चों का भी भविष्य खराब होता है। विकलांग एसोसिएशन का यही प्रयास रहता है कि जो भी परिवार हम जोड़ें, इनकी भी शादियां करें, वो जीवन पर्यंत सुख समृद्धि उनके पास हो और वो कभी किसी तरह से विवादित ना हो, झगड़ा लड़ाई ना करें और आपस में प्रेम स्नेह के साथ पूरा जीवन गुजारें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।